अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इफेक्टिव साइंस स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक्चुअली चेन्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब अपने आप को अरेंज कर लें इन द फॉर्म ऑफ चेन। तो यहाँ पर चूँकि हम दो तरह के न्यूक्लियोटाइड से डील कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड है आरएनए और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है डीएनए। दोनों में फ़र्क क्या है? आरएनए की जो चेन बनेगी वो पहली बात होगी सिंगल, एक चेन बनेगी और उसके अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में अरेंज होंगे तो आरएनए बन जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर डीएनए है, उसमें दो चेन्स दरकार हैं, डबल चेन है वो, और उसके अंदर जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स लगने हैं वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनके राइबोस शुगर के कार्बन 2 के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन दोनों बातों को समझने के लिए और इन फ़र्क को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप देखें कि राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं। तो फिर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसकी चेन्स कैसे बनती हैं। ये आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का कंप्लीट टेबल है और इसके अंदर उनकी फॉर्मेशन दिखाई गई है और फ़र्क भी एक्सप्लेन हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए आरएनए, नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन सी है हमारे पास? एडिनिन कैपिटल ए, गुआनिन कैपिटल जी, साइटोसिन कैपिटल सी, थायमिन कैपिटल टी और यूरेसिल कैपिटल यू। पहला स्टेप क्या होता है? आरएनए और डीएनए दोनों में सेम है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या? राइबोस प्लस नाइट्रोजन बेस इकट्ठी होगी तो फिर एडिनिन नहीं रहेगी। जब वो राइबोस के साथ जुड़ जाएगी तो वो एडिनोसिन हो जाएगी, गुआनिन नहीं रहेगी गुआनोसिन हो जाएगी, साइटोसिन की बजाय साइटिडीन हो जाएगी, थायमिन तो आरएनए में है ही नहीं और यूरेसिल क्या हो जाएगी? यूरिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड का नाम है, राइबोस प्लस नाइट्रोजन बेस। अब जो सेकेंड स्टेप होना है, न्यूक्लियोसाइड से जो न्यूक्लियोटाइड होना है उसमें राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो पहले जुड़ चुकी है मतलब न्यूक्लियोसाइड, उसके अंदर फॉस्फेरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना है। जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना है, जब पहला, और ये तीन स्टेप में जुड़ेंगे, पहला एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो वो बन जाएगा ए एम पी। ए एम पी किसका एब्रीवेशन है? एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट जुड़ा। फिर दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा तो नाम बदलेगा, एडीनोसिन डाईफॉस्फेट हो गया। फिर तीसरा फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सेम थिंग विद गुआनिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन डाईफॉस्फेट और गुआनिन ट्राईफॉस्फेट। इस तरीके से साइटोसिन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाईफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। इस तरह से यूरिडीन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाईफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। इस तरीके से ये तीनों जो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म्स हैं वो वजूद में आएंगी। यहाँ पर बात ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्टेबल फॉर्म है किसी भी न्यूक्लियोटाइड की वो ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म है। लेकिन जब ये चेन बननी है, हम इसको समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने चेन बनानी है। जब चेन बननी है तो वो एटीपी की हालत में नहीं बनेगी, वो एएमपी की हालत में बनेगी। मतलब दो फॉस्फेट निकालने पड़ेंगे। ये दो फॉस्फेट निकालने क्यों पड़ते हैं, ये बनते क्यों हैं? फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं, जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती, एनर्जी निकलेगी तो वो केमिकल फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगी। सो दो फॉस्फेट को निकालते हैं और उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथे से, चौथा पांचवे से जुड़ता है और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन रेडी होती है। तो इस तरह से ये चार किस्मों के न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड रेडी हुए हैं। इनके अंदर पूरा राइबोस ग्रुप शामिल है और ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं। अब सेम इसी को आप डीएनए में देखिए, डीएनए में जो कॉलम आपके पास 3 कॉलम है न्यूक्लियोसाइड उसको देखें। डीएनए के पास भी यही नाइट्रोजन बेस है तो एडीनोसिन से जब ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा मतलब डी ऑक्सीराइबोस कार्बन 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन को निकाला होगा तो डी ऑक्सीराइबोस प्लस एक नाइट्रोजन बेस एडीनिन की इकट्ठी होगी तो एडीनोसिन बनेगी। लेकिन साथ छोटा सा स्मॉल डी लिखा हुआ है, वो किसको शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, ये राइबोस का नहीं है, ठीक है, ये डी ऑक्सीराइबोस के साथ है, ये आरएनए में नहीं जाएगा। इसी तरह से डी गुआनोसिन बनेगा, डी साइटोसिन बनेगा, डी थायमिडीन बनेगा। यूरेसिल डीएनए में होता ही नहीं है तो अगेन फ़र्क आ गया। जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ पहले एक फॉस्फेट फिर दूसरा फिर तीसरा जुड़ेगा तो अगेन वही स्मॉल डी आपने हर एक के साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए डी ए एम पी, डी ए डी पी, डी टी ए टी पी। इस तरह से डी जी एम पी मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। इस तरह से सी एम पी, सी डी पी, सी टी पी और डी टी एम पी, डी टी डी पी
और DTTP, मतलब इस तरह से ये सारे न्यूक्लियोटाइड स्मॉल डी लिखने के साथ डी ऑक्सी हो गए, ये डीएनए में इस्तेमाल होंगे, ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हो गए हैं, जबकि दूसरी साइड पर आरएनए के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए। अब ये जुड़ेंगे कैसे, ये इस तरह से कि इनकी थ्री फॉर्म्स हैं, ट्राईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट। जब स्टेबल होते हैं तो ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब चेन में जुड़ते हैं तो दो फॉस्फेट को निकालना होता है, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ेंगे, इसको हम फर्दर देख रहे हैं। अब हमने देख लिया कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं, तो अब ये जुड़ते कैसे हैं। अब अगेन डीएनए जो है वो दो और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा, और कैसे बनाएगा, सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, एक के बाद दूसरा आने वाला न्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में लिंक होंगे, जो वो अपने दरमियान बना लेंगे फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज, एक नहीं दो एस्टर लिंकेज बनाएंगे और फॉस्फेट वाली साइड पर बनाएंगे, जो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं उनके दरमियान में दो एस्टर लिंकेजेस बनेंगे। किस पोजिशन पर, पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3, और उनके दरमियान में फॉस्फेट के दो एस्टर बनेंगे, तो ये एक फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज कंप्लीट हो जाएगा और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का आगाज हो जाएगा। डीएनए में भी ऐसे ही होता है और आरएनए में भी ऐसे होता है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको राइट साइड से शुरू करें, हमारे पास दो प्यूरिन बेसिस हैं, दो पिरिमिडिन बेसिस हैं। अगर आप नीचे से इसको देखें तो सबसे नीचे है थायमीन, उसके ऊपर है साइटोसिन, उसके ऊपर गुआनिन और उसके ऊपर एडेनिन। ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, एक पिंक कलर, एक ब्लू, एक मस्टर्ड और देन फेरोजी कलर का, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये नाइट्रोजन बेसिस लाइट ब्लू कलर के राइबोस शुगर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तो सिंगल चेन है, आरएनए में भी एक चेन है, डीएनए में भी दो चेन्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा थायमीन से कि थायमीन ये डीएनए की एक सिंगल चेन है, क्योंकि डीएनए के अंदर थायमीन होता है, आरएनए के पास थायमीन नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये फ़र्क है कि कार्बन 2 पोजीशन पे देखें एच और एच मौजूद है, इसका मतलब है ओएच ग्रुप उसका कार्बन का नहीं है, यहाँ पे डीऑक्सी किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको हर जगह पे नोट करना है कि मैं किस चेन को स्टडी कर रहा हूँ, ये डीएनए की है कि आरएनए की है। अब ये नाइट्रोजन बेसिस जब राइबोस शुगर से जुड़ गई और राइबोस शुगर ने जब अपने साथ फास्फेट जुड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या थी, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, गुआनिन जीटीपी, साइटोसिन से सीटीपी और थायमिन से टीटीपी। लेकिन जब ये जुड़ी हैं तो देखें आपको एक एक रेड कलर का फास्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इस वक्त जो इस चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं वो किस हालत में हैं, टीएमपी की हालत में, सीएमपी की हालत में, गुआनिन जीएमपी की हालत में और एएमपी की हालत में। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे रेड कलर का फॉस्फेट ग्रुप है, गौर से देख लीजिए, हर फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन के, पहले 5 कार्बन और अगले के 3 कार्बन के साथ, उससे अगले के 5 और 3 के साथ, फिर 5 और 3 के साथ, फिर 5 और 3 के साथ, यहाँ तक के चेन के शुरू में जहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड 3 है और आखिर में 5 एंड, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं 3 to 5 चेन बनी हुई है, कि 3 वाला फ्री रह जाता है और 5 वाला फ्री जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप 4 लोग जुड़े हों, खड़े हो जाएं और चेन बनानी हो तो एक दूसरे के हाथ पकड़ें, तो फर्स्ट साइड पर एक एक जो सबसे पहला पर्सन होगा उसका एक हैंड फ्री होगा और लास्ट वाले पर्सन का एक हैंड फ्री होगा, बाकी सबके दोनों हैंड्स आप में जॉइंटेड होंगे। इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज, कि एक फॉस्फेट ग्रुप 2 राइबोस शुगर के 2 कार्बन, कार्बन 3 और 5 को जोड़ के खड़ा हुआ होता है। इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। फिर आरएनए में तो एक ही रह जाती है और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती हैं जो आपस में ज्वाइन करती हैं, वो तरीकाकार अलग है, लेकिन एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए एक फॉस्फेट के ग्रुप को 2 राइबोस शुगर को पकड़ना होता है फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज बनाकर, ठीक है, और इससे 3 to 5 चेन बनती है, ये जुड़ते 3 to 5 हैं। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वजूद में आती हैं और उनसे फिर आरएनए और डीएनए बनता है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैलोज। थैंक यू।